एंड्रॉयड ट्रिक्स एंड ट्रिप जिसके बारे में आपको नहीं पता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले ऐसे ट्रिक्स के बारे में जिसकी वजह से आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले क्योंकि इस वीडियो में आपको वेबसाइट एप्लीकेशन और सेटिंग देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल बनता है तो टेक्निक बनता है। फर्स्ट ट्रिक में दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन देखने वाले, तो इस एप्लीकेशन का नाम है ई आइडेंटिफायर। और दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन आपको बहुत यूजफुल होने वाला है क्योंकि दोस्तों हम कभी कभी किसी प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पर हम अननोन प्लांट्स हमको देखने को मिलते हैं और उस प्लांट के बारे में हम जानना चाहते हैं तो हमको फाइंड करना ईजी नहीं होता, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन उस समय बहुत यूजफुल होने वाला है। और इस एप्लीकेशन का लुक मतलब बहुत सिंपल है और इसे यूज़ करना भी बहुत ईजी है। इस एप्लीकेशन की एक और खास बात है दोस्तों, आपको इस एप्लीकेशन में प्लांट के साथ एनिमल, रेड वाइन, कैलरीज, कार और फ्रूट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मुझे इस एप्लीकेशन का ये वाली बात बहुत सही लगा। और दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले सेक्शन में आप लोगों द्वारा पोस्ट किए हुए फोटो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारे फोटो देखने को मिलते हैं, जैसे उस फोटो पर आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों उस फोटो के रिलेटेड आपको कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है और नीचे आपको सर्च और विकिपीडिया का ऑप्शन देखने को मिलता है। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मतलब दोस्तों बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आप नाम के साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो, तो इस एप्लीकेशन को ज़रूर ट्राई करना। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक आपको सर्च की ट्रिक देखने मिलने वाले। और दोस्तों ये वाली ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो कभी कभी हम क्या होता है, हम किसी न्यूज़ को सर्च करते हैं और हम चाहते हैं कि उसी आर्टिकल में आपको उस न्यूज़ को आप फाइंड करना चाहते हो। मतलब दोस्तों मेरे को फ़ोन की मेरे को न्यूज़ चाहिए और मुझे जो गैजेट जो पेजेस है उस पर मेरे को फ़ोन वाली न्यूज़ चाहिए। तो इस समय आप दोस्तों क्या करते हो, आपको जो भी न्यूज़ सर्च करना चाहते हो, तो एग्जाम्पल में फ़ोन लिया है, उसके बाद दोस्तों आपको साइट लिखनी है। साइट के बाद आपको सेमी कॉलन देके स्पेस देना है। दोस्तों आपको स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस देने के बाद आपको जो भी आप ट्रस्टेड वेबसाइट है उसका नाम लिख देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने गैजेट के रिलेटेड जितने भी वेबसाइट है उसमें मेरे को फ़ोन के रिलेटेड न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल दोस्तों गैजेट NDTV एक पेज है और उस पेज में मेरे को सिर्फ फ़ोन के रिलेटेड मेरे को आर्टिकल चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फ़ोन स्पेस देके साइट सेमी कॉलन देके गैजेट NDTV लिखता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो नीचे गैजेट NDTV के फ़ोन के रिलेटेड जितने भी न्यूज़ है वो मेरे को देखने को मिलते हैं। तो ये सर्च ट्रिक बहुत यूज़फुल है दोस्तों, इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना। तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक में आपको एक सेटिंग देखने को मिलने वाली है और इस सेटिंग की वजह से आपका डेटा सेव होने वाला है। साथ ही दोस्तों आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम और आपका जो फ़ोन हैंग होता है उसका भी सोल्यूशन हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। मतलब दोस्तों ये सेटिंग आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिलने वाली है। जैसे आप प्ले स्टोर पर क्लिक करते हो तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन देखने को मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग देखने को मिलता है, उस सेटिंग का नाम है ऑटो अपडेट ऐप, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको डोंट ऑटो अपडेट ऐप पर क्लिक करना है। तो दोस्तों अगर आपके घर में वाईफाई तो आपको ओवर वाईफाई ऑनलाइन रखना होगा। डेली कितने सारे एप्लीकेशन अपडेट होते हैं, तो दोस्तों ओवर एनी नेटवर्क आप रखते होगे तो जब भी आप अपने नेटवर्क को ऑन करते हो तो जो आपका ऐप डेटा है वो चला जाता है। साथ ही दोस्तों वो ऐप अपडेट हो जाता है। अगर आप आपके घर में वाईफाई तो आप ओवर ऑनली वाईफाई रखते, तो जब आप वाईफाई यूज़ करते हो तभी जो अपडेट ऐप से वो अपडेट होंगे। अगर दोस्तों अगर आप नहीं करना चाहते तो डोंट ऑटो ऐप पर करो। साथ ही दोस्तों ऑटो प्ले वीडियोज़ पर भी आप ऑटो प्ले वीडियोज़ ओवर वाईफाई ऑनली करें, नहीं तो दोस्तों आप डोंट ऑटो प्ले वीडियोज़ करें। क्योंकि दोस्तों कभी कभी हम जब नेट ऑन करते हैं और तो नेट मतलब वीडियो चालू हो जाता है, अगर आप ऑटो प्ले वीडियोज एट एनी टाइम करते हो तो वाले सेटिंग बहुत यूजफुल है, इससे आपका डेटा बच जाता है। और साथ ही दोस्तों आपके जो फ़ोन के जो स्टोरेज है उसकी प्रॉब्लम भी कम हो सकती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो नेक्स्ट ट्रिक एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट का नेम है शानदार वेबसाइट। जैसे आप सर्च करते हो तो आपके सामने जो फर्स्ट वेबसाइट दिखते हैं उसको आपको क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। इसमें आप देख सकते हो इसमें आप ऑडियो कन्वर्टर का देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट कन्वर्टर मतलब आपको इसमें ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप इमेज भी कन्वर्ट कर सकते हो, वीडियो कन्वर्टर और अदर कन्वर्टर भी देखने को मिलते हैं। मतलब दोस्तों आप इसके वजह से आपको किसी अदर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जरूरत नहीं होगा। दोस्तों इतना ही नहीं गाइज, आपको इस वेबसाइट में और कन्वर्जन का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब PDF टू वर्ड, PDF टू एक्सेल, ऐसे आपको ढेर सारे आपको कन्वर्ज का ऑप्शन देखने को मिलता है। और दोस्तों जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको देख सकते हो बहुत सारे फॉर्मेट देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों आपको मतलब आपको कंप्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप ऑडियो कंप्रेशन करना चाहते हो, साथ ही आप डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो को भी कंप्रेस करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन आके कर सकते हो। मतलब दोस्तों हम इतने इतने चीज़ें के लिए कितने सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो इसके नो सॉफ्टवेयर डाउनलोड मतलब आपको किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होगा। और दोस्तों ये 2006 से ये मतलब ये वेबसाइट चली और बहुत सारे कस्टमर इसे यूज़ करते हैं।
इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी है। और साथ ही दोस्तों इस पर आप देख सकते हो मतलब 12,000 से भी ज़्यादा फॉर्मेट इस पर सपोर्ट करते हैं, बहुत यूजफुल है, इसको आप जरूर ट्राई करना। तो अभी देखते हैं इस वीडियो की लास्ट ट्रिक। तो दोस्तों कभी कभी हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन इंटरनल स्टोरेज को मतलब बहुत ज़्यादा फिलअप करते हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आपने मेमोरी कार्ड यूज़ किया है, अगर आप चाहते हो कि आप जो भी ऐप डाउनलोड करते हो मतलब यहाँ से भी डाउनलोड करते तो उसके जो भी स्टोरेज या डेटा है वो एक्सटर्नल स्टोरेज में जाए मतलब मेमोरी कार्ड में जाए, तो आप ये कैसे कर सकते हो? उसके लिए दोस्तों आपको एक सेटिंग करना होगा। तो इस सेटिंग के लिए आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में, मतलब दोस्तों आपको आपके फ़ोन में कहाँ पर भी डेवलपर ऑप्शन है उस ऑप्शन को आप फाइंड करें, क्योंकि दोस्तों पहले जो सेटिंग है वो डेवलपर ऑप्शन में आपको मिलेगी और किधर आपको मिलेगी नहीं। तो इसके लिए आपके फ़ोन में जहाँ पर भी डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलता है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाते हैं तो दोस्तों आपको एक सेटिंग देखने को मिलती है, उस सेटिंग का नाम है फॉर सोलो ऐप्स ऑन एक्सटर्नल स्टोरेज। ये वाला ऑप्शन दोस्तों ऑफ होगा, उसको आपको ऑन करना है। जैसे आप दोस्तों ऑन करते हो तो जो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं उसका जो डेटा होता है वो एक्सटर्नल स्टोरेज में चला जाता है, मतलब दोस्तों आपके जो फ़ोन की स्टोरेज है उसकी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपके पास मेमोरी कार्ड है। तो इस ट्रिक को जरूर ट्राई करना।